अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और सुबह बखैर, सुबह हो गई है। नमाज से फारिग होके मैं बाहर टेरेस पे आई हूँ, थोड़ी देर बाहर की ताज़ा हवा लेने। मौसम बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा मौसम है। और मैं अपने पौधों को देखने आती हूँ कि इनमें ड्राई तो नहीं हो रही इनकी मिट्टी वगैरह, तो इनको पानी लगा देती होती हूँ। जब देखती हूँ कि मिट्टी जो है वो ड्राई होती है, तो फिर मैं इनको पानी, वैसे अभी गीली है थोड़ी थोड़ी ना, तो सो राइट नाउ मैं अब किचन में आ चुकी हूँ, और क्या कहते हैं, नमाज के बाद मैं बकरे के लिए नाश्ता बनाऊँगी। और क्योंकि इस वक्त बाकी सब सो रहे हैं, तो मैं नमाज़ पढ़ के तो यूजुअली नाश्ता थोड़ा सा अपने लिए बना देती हूँ, चाय वगैरह और थोड़ा सा स्लाइस या कोई बिस्किट्स वगैरह इस तरह के ना कुछ मैं ले लेती हूँ। तो मैं अपने लिए नाश्ता बनाऊँगी और इन्जॉय करूँगी। बच्चे सो रहे हैं, चिल करेंगे अभी। तो बच्चे भी उठ गए हैं, और राफिया को मैं डांट ब्रश करवा रही हूँ। वैसे तो ये खुद कर लेती है, बस ये है कि बच्चे को बार बार थोड़ा सा कहना पड़ता है कि जल्दी कर लो और अच्छे से करो ब्रश, और पानी थोड़ा खोलो, इस तरह जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। बस जल्दी जल्दी अभी ब्रश करेगी, मुँह हाथ धोएगी, कपड़े चेंज करेगी, उसके बाद फिर मैं नाश्ता बनाऊँगी इनका, नाश्ता करेंगे। ठीक है, आपका क्या हाल है? हम भी ठीक है। ध्यान जरा पे गिरना जाना कहीं पे। और आप लोगों का क्या हाल है? हम भी ठीक है, वो भी ठीक है, सारे जो देख रहे हैं। और आप लोग क्या कर रहे हैं? और आप लोग क्या कर रहे हैं? हम नाश्ता बनाने लगे हैं। आपने नाश्ते में क्या खाना है बताओ? और साथ में वो चाय। जो मैं अब किचन में आई हूँ और बच्चों का नाश्ता बना रही हूँ, और इनको नाश्ता करवाना बहुत मुश्किल काम होता है। और जराफे कहती है आज अपनी मम्मी से नाश्ता करती हैं जो उसने खाना हो, तो राफिया सिर्फ आज स्लाइस वगैरह वो इस तरह लेगी चाय के साथ, तो बस इनको नाश्ता दूंगी। और अहमद है, अहमद को भी पकड़ पकड़ के उसके मुंह में डालना पड़ता है। और नाश्ता वगैरह इन लोगों ने कर लिया है, बिल्कुल फारिग हो गए हैं। और अब मैं नाश्ते के फ़ौरन बाद ये है कि अब डिशेज़ वगैरह कर लूँगी जल्दी से। सबसे पहले मैं डिशेज़ ही करती हूँ।
बाकी जो है वो सफाई वगैरह वो मैं बाद में करती हूँ, पहले मैं किचन अच्छे से साफ कर लूँगी। तो जो रात के पहले बर्तन धुले हुए थे वो मैं रख रही हूँ दराज में, तो ताकि वो जो है रैक खाली हो जाए। गर्म पानी खोल लेती हूँ क्योंकि अभी ज़रा गर्म पानी पीने से अच्छे धुल जाते हैं ना बर्तन, साफ जल्दी हो जाते हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो मैं पहले गर्म पानी खोल के अच्छी तरह साफ कर लेती हूँ, तो फिर बहुत आसान हो जाते हैं, फिर फौरन ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जल्दी से धुल जाते हैं बर्तन। तो उसके बाद फिर सफाई वगैरह करेंगे। और जी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबा दें, जो रेड कलर का जो सब्सक्राइब का बटन है उसको क्लिक करें, उसके साथ बेल का आइकन होगा उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी नई मेरी वीडियो वो आपको सबसे पहले मिल जाए, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और क्या कहते हैं कमेंट ज़रूर किया करें, ताकि पता चलता है कि आप किस तरह, आपको वीडियो अच्छी लग रही है नहीं लग रही है, किस तरह की वीडियो देखना चाह रहे हैं, आपको कुकिंग वाली देखना चाहते हैं, क्लीनिंग के लिए देखना चाहते हैं, किस तरह की वीडियो आप देखना चाहते हैं मुझे ज़रूर बताएं कमेंट्स में, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इधर मैंने दूध भी आ गया है, दूध भी बॉयल होने के लिए रख दिया है, और साथ साथ मैं अब जो है वो शेल्फ़ जो है उसको मैं काउंटर टॉप जो है वो उनको मैं अच्छी तरह अब क्लीन कर लूँगी। तो ये एक लिक्विड सा है कि मैंने बना के रखा है, इसमें किसी ने पूछा था कि आप ये क्या चीज़ है जो आप ये स्प्रे करते हैं, तो मैंने इसमें पानी लिया था, हाफ बॉटल मैंने पानी की ली थी, उसके अंदर मैंने ना एक चम्मच जो है वो लिक्विड डिश सोप होता है वो मैंने इसके अंदर डाला था, और इसमें थोड़ा सा लेमन जूस डाला था मैंने इसमें ना, तो उसको अच्छी तरह शेक करके बड़ा अच्छा बन जाता है ना, क्लीनर सा एक बन जाता है बहुत ही ज़बरदस्त। ये इससे आप अपना स्टोव वगैरह क्लीन करें, काउंटर टॉप क्लीन करें, और फ्रिज वगैरह, माइक्रोवेव, इवन माइक्रोवेव हो तो, सिंक हो गया, इस तरह की चीज़ें जो टाइल्स हैं आपकी, बैक स्प्लैश होती है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत अच्छी तरह, बहुत अच्छी शाइन आती है इससे, क्योंकि इसमें लीमू भी डला होता है। तो मैं ये काफ़ी टाइम से मैं यूज़ कर रही हूँ, और ये बहुत अच्छा है, और आप लोग भी अगर अच्छा लगे तो आप लोग भी इसको ज़रूर यूज़ करें।
डिशेस के बाद अब मैं जो है वो खिलारा वगैरह जो जितना पड़ा हुआ वो सारा मैं अब समेटूँगी, बेड सेट करूँगी, उसके बाद फिर क्या कहते हैं सफाई वगैरह करूँगी। तो अब मौसम काफ़ी चेंज हो गया है ना, अब तो कंबल वाला मौसम है ही नहीं, अब तो खेस वाला मौसम आ गया है। तो ये है कि खेस बिल्कुल सिंगल खेस भी नहीं लिया जाता, उसको डबल करके, मैं तो डबल खेस को करके ना तो इस तरह ले लेते हैं और बड़ा अच्छा हो जाता है क्योंकि एकदम मौसम बदल जाता है। तो बेडशीट जो है वो मैं आज नहीं चेंज करूँगी क्योंकि मैं वीक में एक दफ़ा चेंज करती हूँ बेडशीट। तो वैसे आज मैंने कपड़े धोने हैं लेकिन ये कि बिल्कुल नीट है बेडशीट, उसकी ज़रूरत नहीं है धोने की, तो इसलिए मैं इसको चेंज नहीं करूँगी, ऐसी एज इट इज़। तो बेड सेट हो गया है, अब इसके बाद मैं झाड़ू वगैरह करूँगी थोड़ा सा, अभी बाकी जो बिखरा हुआ है साथ वाले रूम में और बाहर जो लाउंज में जो बिखरा हुआ है, जो चीज़ें बिखरी हुई हैं उसको मैं थोड़ा समेट लूँगी। ये हमारा जो साथ वाला रूम है ये इस पर एक जो है वो छोटा रूम हम इसको कहते हैं, यहाँ पे वैसे मैंने एक बेड रखा हुआ है, यहाँ पे कोई नहीं सोता, ऐसे ही बस बैठने के लिए ऐसे या कपड़े वगैरह धो के मैं यहाँ पे रख देती हूँ। तो एक्स्ट्रा जो होते हैं ना कुछ चीज़ें यहाँ पे एक्स्ट्रा रखने के लिए होती हैं, कपड़े वगैरह धो के ला के यहाँ रख देते, फिर यहीं से समेट लेते हैं। अब लाउंज में, लाउंज की जो है वो चीज़ें समेट रही हूँ और सोफ़े की चादरें इतनी गंदी हो गई थी, दाग इतने पड़ गए थे, बच्चे कुछ भी खाते हैं तो वो ऐसे लग जाते हैं सारे ना, तो वो मैं ये उतार सोच रही थी कि इसको भी उतार के ना धो लूँगी क्योंकि आज मैंने मशीन तो लगानी ही है, तो क्यों ना अब ये भी फिर साथ भी धुल जाएगा। जो चादर है जो नीचे जो मैंने कालीन के ऊपर जो चादर बिछाई है वो बिल्कुल नीट है क्योंकि वो मैंने अभी एक दो दिन पहले ही मैंने ये बिछाई थी, तो ये भी बिल्कुल नीट है इसलिए मैं उसको चेंज नहीं करूँगी। अभी बस ये मैं इसको देख रही थी, पहले मैं बिछाने लगी थी सोफे पे चादर, तो फिर मैंने देखा तो इधर से तो दाग लगे हुए हैं, तो फिर मैंने कहा चलो ये भी यहाँ धुल जाएगा। क्योंकि मैंने अभी वो कपड़े वगैरह भी करने थे तो इसलिए फिर मैंने, क्योंकि वैसे ही आप सफाई कर रहे हो तो वो देर नहीं लगती जल्दी जल्दी, लेकिन जब आपने साथ साथ ये वीडियो भी बनानी है और उसको साथ साथ शूट भी करना है तो फिर वो बहुत मुश्किल हो जाता है ना, सारा ध्यान जो है वो आपका वीडियो की तरफ ही होता है कि सही बन रही है कि नहीं बन रही है, तो इसलिए फिर। तो मैं अब आ गई थी नीचे कपड़े वगैरह सारे धो के, तो मैं नीचे आ गई थी, तो अब दोपहर में मैंने खाना खाना रोटी बनाई है, खाना खाने लगी, मसर है यहाँ पे और उसके साथ जो है वो पालक गोश्त है, और मैंने साथ बनाया था पराठा, पराठा बनाया था, पराठे के ऊपर नहीं मैंने ऑयल घी वगैरह कुछ नहीं लगाया था, तो अंदर पराठे के अंदर ऐसे सिर्फ घी लगा के तो वो बनाया था, बड़ा दिल कर रहा था ऐसे पराठे के साथ खाने को। और वैसे भी जो मसर वगैरह ये इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ये पराठे के साथ बहुत मज़े लगती हैं।
हम लोग दोपहर की हमी की नहीं आज हम लोग दोपहर की खाने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा क्या बनाने लगे हो? आज हम लोग ने बनाए। सो गाइस दिस इज माय न्यू फोन वीवो S1 Pro, क्योंकि जो पहला फ़ोन है ये बेचारा डेड हो चुका है। सैमसंग गैलेक्सी ग्रैंड प्राइम ये पहले वाला, तो ये बिल्कुल ख़राब हो चुके मतलब इसकी इतनी मेमोरी नहीं है अच्छी, बहुत कम मेमोरी है। ये तो कभी भी ना फ़ोन लें क्योंकि व्लॉगिंग के लिए ये फ़ोन बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत ही कम मेमोरी है इसकी। और तो ये भी खरीद लेना इसको, मैं को इसी से मैं ये न्यू फोन से ही मैं वीडियो बना रही हूँ। ये देखिए, हाँ जी फोन तो है नहीं इसमें खाली है क्या? इसी फोन से मैं ये बना रही हूँ क्योंकि इसका कैमरा, इस फोन का जो कैमरा है वो बिल्कुल नहीं चल रहा। अब पता नहीं क्या कोई मसला हो गया इसमें, कैमरा फेल का कोई ऑप्शन आता है। सो ये 4GB से अप टू 128GB 4GB रैम का कैमरा भी अच्छा है काफ़ी, और इसके साथ इस तरह की हैंड फ्री आती है। और सो इसके साथ ये हैंड फ्री के इस तरह की आती है जो कि मैंने अभी ओपन नहीं की, और ये चार्जर ये वाला होता है, इसकी इधर जो है पिन है ये काफ़ी चौड़ी है। चौड़ी नहीं, सो जी कितना प्यारा पैरट है, नहीं क्या है कबूतर मेरे ख्याल से, वो देखो पिजन कितना प्यारा है। आज ये देखिए मैंने इतने सारे ये कपड़े जो आप लोगों को नजर आ रहे हैं ना, तो जी ये इधर भी कुछ टमाटर और लीमू के पौधे रखे हैं मेरे प्यारे प्यारे टमाटर, नीचे भी है, ये भी टमाटर है, नीचे भी है इधर भी है। नहीं जुड़े भी नहीं है, ये बहुत छोटा सा ये माशाल्लाह ना काफी फैल रहा है, ये देखो काफी टेढ़ा हो गया सारा बेचारा, इसको ना थोड़ी सहारे की जरूरत है। हाँ ये भी जैसे ही कपड़े धो के नीचे आई हूँ तो साथ ही क्या कहते हैं बारिश शुरू हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं।
क्या कहते हैं हमें जब छींक आती है तो छींक आती है तो क्या कहते हैं क्या कहते हैं किसको थप्पमाओ किसको थप्पड़ नहीं मारना थप्पड़ पहले कहते थप्पड़ मारो फिर कहते नहीं मारना थप्पड़ आप चिप्स क्यों नहीं खा रहे हो तो जी अब रात के खाना बना रही हूँ आज मैं खाने में बना रही हूँ सफेद चना पुलाव जो होगा तो जो चने थे वो मैंने पहले बॉईल करके रख लिए थे एक कप मैंने वाइट चने दिए थे उनको बॉईल कर लिए थे सोक किया हुआ था मैंने सुबह से लेकर शाम तक तो मैंने चावल ले लिए थे डेढ़ ग्लास चावल का ले लिए थे उसको भी मैंने आधा घंटा बॉयल कर लिया था तो अब इसमें मैंने ज़ीरा साबुत ज़ीरा डाला है हाफ कप ऑयल डाला है मैंने साबुत ज़ीरा थोड़ा सा थोड़ी सी दालचीनी थोड़ी सी काली मिर्च वगैरह और ये एक प्याज जो थी दरमियाने साइज़ की वो मैंने बारीक बारीक काट के वो डाल दी अब इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी गोल्डन ब्राउन होगा तो इसके अंदर फिर मैं वो लहसुन अदरक का पेस्ट और वो हरी मिर्च काट के मैंने रखा था तो वो मैं ना इसके अंदर डाल दूँगी हरी मिर्च के पेस्ट बनाते हुए मैंने थोड़ा सा नमक डाला था और थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला था उसका मैंने ऐसे पेस्ट बना लिया था तो ये तकरीबन एक चम्मच होगा लहसुन अदरक का पेस्ट तो अब इसके बाद टमाटर चला जाएगा एक बड़े साइज़ का टमाटर था उसको मैंने चॉप कर लिया था वो चला जाएगा इसके अंदर और साथ ही मैंने मसाले जो थे मसालों में मैंने डाला था नमक डाला था एक चम्मच और लाल मिर्च डाली थी एक चम्मच कुटी हुई मिर्च लाल वो डाली थी मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला था नमक डाला था और बिरयानी मसाला मैंने थोड़ा सा डाला था तो अब मैंने पानी डाल के इसको थोड़ा सा भूनने के लिए रख दूँगी ये भून जाएगा अच्छी तरह से फिर मैं इसके अंदर पानी डालूँगी तो पानी मैंने जैसे डेढ़ गिलास मैंने चावल के लिया था तो मैंने पानी मैंने इसमें तीन गिलास में पानी के इसके अंदर डालूँगी यानी कि मैं जो कटोरी नहीं होती जो कटोरी और ग्लास का एक ही मेजरमेंट होता है तो मैंने ये तीन कटोरियाँ मैंने इसके पानी की डाल दी थी और उसमें मैंने क्या कहते हैं हाफ जो थी वो कनौर क्यूब भी डाली थी और उसको ढक के रख दिया था जब बॉयल आना शुरू हुआ तो उसके बाद फिर मैंने उसमें चावल और जो बॉयल जो चने वो फुल बॉयल्ड थे इसलिए मैंने उनको पहले नहीं डाला जब मैं चावल डालने लगी थी तो तभी मैंने उनको चनों को भी डाल दिया था और इस टाइम पे फिर मैंने चावल वगैरह डाल के चने डाल के तो फिर मैंने इस पर पानी वगैरह सारा चख लिया था उसके अंदर नमक ठीक है कम तो नहीं है तो वो मैंने चख लिया था मुझे नमक कम लग रहा था तो मैंने उसमें आधे से एक चम्मच मैंने नमक की डाली थी तो इसको मैंने उबाल आने के इसको रख दिया था उसके बाद पानी खुश्क हो गया इसका तो हल्की आँच मैंने इसको दम पे चढ़ा दिया था तो खाना भी बन के तैयार हो गया इसके साथ मैंने बनाया था रायता मैंने पुदीने की चटनी नहीं बनाई थी मैंने इसके साथ रायता बनाया था वो ज़ीरे का जो रायता होता है ज़ीरा तवे पे भून के ना वो मैंने नहीं वीडियो बना सकी थोड़ा सा मैंने ज़ीरा जो है उसको तवे पे भून लिया था तवा गर्म करके उसके ऊपर ज़ीरा डाल के तो उसको थोड़ा सा कड़क यहीं तक था आज का व्लॉग इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अल्लाह हाफिज़